नमस्कार। हिंदी मीडियम यानी हिंदी माध्यम से पढ़ने वाले विद्यार्थी को हम लेके आए हैं क्लास 7th का यानी कक्षा 10वां का क्लास 10। यानी इसकी अगर हम कोडिंग की बात करें ना, तो पहले क्लास 10 क्लास का है। क्या चीज का मटेरियल है जी? मैथमेटिक्स का। चैप्टर कौन सा है? चैप्टर 1 है। पार्ट इसका कौन सा है? तो पार्ट आपका 0-1 है। एपिसोड कितना है? तो 0-1 है। और किस मीडियम के लिए बच्चे के लिए है? तो हिंदी मीडियम के लिए बच्चे के लिए है। तो इसमें NCERT एंड डॉक्टर आरडी शर्मा एंड डॉक्टर केसी सिन्हा सर जी का बुक का लाइन बाय लाइन सोल्यूशन इस में होगा। तो समय को ध्यान में रखते हुए हम लोग चालू करते हैं। एनसीईआरटी को भी ध्यान में रखा जाएगा। मैं एनसीईआरटी का बता दूंगा कि एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये हमारे केसी सिन्हा सर का क्वेश्चन है, ये हमारे आरडी शर्मा का है। ये दो बुक अगर आप बना लेते हैं तो आपको सारी बुक बन जाएगी। तो हम चालू हो जाते हैं। टॉपिक का नाम है रियल नंबर, मीन्स वास्तविक वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं। तो हम लोग करते हैं परिचय यानी इंट्रोडक्शन। तो मैं कुछ बातें लिखूंगा, कुछ बातें आराम से धीरे धीरे बोलूंगा। यानी आप बाल्यकाल में, क्योंकि आप नौजवान, बाल्यकाल में, बाल्यकाल से ही आप जोड़ मीन्स एडिशन, सब्ट्रैक्शन यानी इसको हम बोलते हैं व्यवकलन यानी सब्ट्रैक्शन, ठेठ भाषा में इसे घटाओ, गुणा जिसका सही होता है गुणन यानी मल्टीप्लिकेशन, और भाग जिसे हम डिवीजन कहते हैं, या 4 आधारभूत ऑपरेशन को, संक्रियाएं को उपयोग आप कर रहे हैं। किसमें कर रहे हैं? तो सबसे पहले प्राकृत संख्या में, पूर्ण संख्या में और पूर्णांक में, परिमेय संख्या में, यानी इतना में आप इसकी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन यानी जोड़, घटाओ, गुणा, भाग का ऑपरेशन, संक्रियाएं आप कर रहे हैं। अब हम लोग को यानी इसकी जो रूल है कि क्लोजर प्रॉपर्टी यानी शनिवृत्त,
जिसे हम क्लोजर बोलते हैं, कॉमुटेटिव मीन्स क्रम विनिमय रूल, साहचर्य रूल यानी एसोसिएटिव, एडिटिव आइडेंटिटी, इनवर्स मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ये सब क्रियाएं आप पहले से सीख चुके हैं। एचसीएफ एलसीएम ये सारे कुछ सीख चुके हैं। अगर एचसीएम की हम बात करें तो वहां महत्तम समावर्तक, एलसीएम की बात करें लघुत्तम समावर्तक। यहां पर हम बात करते हैं एचसीएफ का और एलसीएम का, तो ये सब बात आप नाइन्थ क्लास तक कर चुके हैं। अब हम लोग को टेंथ क्लास में जो हम लोग को सीखना है, वह सीखना है भार ज कता, यानी यहां पर डी वी जी विली टी, ये काम हम लोग को सीखना है डिबिलिटी को। अब हम लोग बात करते हैं तो डिबिलिटी टेस्ट में कैसे हम लोग कर सकते हैं। पहले डिविजिबिलिटी यानी भाज्य को हम लोग भाग को समझेंगे। ये जो भाग वर्ड है ये सब्ट्रैक्शन से बना है, लेकिन ये बना है कि कितना बार घटाया गया। यानी यहां पर हम 8 डिवाइडेड 2 करते हैं, यानी 8 से आपको 2 घटाना है। यहां जो रिजल्ट इसकी 6 आया तो 6 में से भी 2 घटेगा तो 4 हुआ, 4 में से 2 घटेगा तो 2 हुआ, और 2 में से 2 घटेगा तो 0 हुआ। यानी आपने कितने टाइम्स घटाया, 4 टाइम्स। ये जो 4 टाइम्स हुआ ना, इसको हम बोलते हैं भागफल। और यहां पर देखो शेष में तो कुछ नहीं बचा, तो ये हो गया शेषफल। यानी भागफल इसकी 4 टाइम्स, यानी 4 बार आपने घटाया, और शेषफल इसकी 0। ये बात आपने अच्छे ढंग से समझ गए हैं, इसमें कोई तरह का दिक्कत नहीं। लेकिन कभी तुम सोचा, देखो यार सोच बदल दो, सोच सोचो बदल दो, बदल दो। अब यहां पर 8/0 रहे ना, तो 8 में से 0 जाएगा तो क्या बचेगा, 0, और फिर सॉरी 8 बचेगा, फिर 8 में से 0 जाएगा तो फिर 8 बचेगा, 8 में से 0 जाएगा तो 8 बचेगा, 8 में से 0 जाएगा तो 8 बचेगा। ये क्रिया आपको होते चला जाएगा, यानी इसकी भागफल भागफल इन्फिनिटिव हुआ, और शेषफल शेषफल, अरे भाई शेषफल के बारे में क्या पता है तुम्हें, ये तो कभी शेषफल आएगा ही नहीं है। शेषफल तो इसका हमेशा हमेशा इसका शेषफल 8 ही होता। यानी ये रहा मैथमेटिक्स को समझना, ये तुम्हारे पास भागफल से शेषफल का जान गया। इसको बोलते हैं भाज्य भाज्य, और इसको बोलते हैं भाजक। यानी अब हम दूसरे एग्जाम्पल को पेश करने का प्रयास, अगर 0/2 है तो यहां पर 0 में से 2 घटाओगे, क्या घट पाएगा, घट पाएगा। यहां घटाओगे -2 हो जाएगा। रिमाइंडर के बारे में तुम पढ़ चुके हो कि रिमाइंडर जो होगा वह 0 से इस भाजक, इस भाजक, इस भाजक से कम ही होगा। ये तो निगेटिव में चला गया, यानी एक बार भी नहीं घटा सकते हो, यानी इसका भागफल, इसका भागफल आपका 0 हुआ। और हम बात करेंगे शेषफल का, शेषफल का,
शेषफल का हम बात करेंगे तो भागफल इसका जीरो हुआ और शेषफल भी इसका जीरो हुआ, यानी यहां पर टू और ये जीरो है, जीरो टाइम्स में लगा, इसको हम बोलते हैं भागफल, भागफल, भागफल बोलते हैं, और इसको बोलते हैं शेषफल, शेषफल बोलते हैं। हम समझते हैं कि हमारे सारे स्टूडेंट इस बात को अच्छे ढंग से समझ चुके हैं, अच्छे ढंग से समझ चुके हैं कि किसी को कोई दिक्कत, अब भागफल और शेषफल में समझने में किसी भी स्टूडेंट को कोई भी तकलीफ नहीं है। यहाँ पर शेषफल उद्धरणी स से होगा, यहां तक बिल्कुल आपने समझ गया है। आइए कुछ एग्जाम्पल और करके देखते हैं, तब जाके हम मिलते हैं, मिलते हैं, मिलते हैं यूक्लिड साहब से। अभी वो हम लोग को टाइम ही नहीं देंगे क्योंकि बहुत बिजी है, तो यहां पर आप ये भाजक, भाज्य, भागफल और यहां शेषफल, यूक्लिड साहब का एक थ्योरम, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, यह बात आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया। शेषफल जो होगा यानी इसको हम बी मान लें, और जिससे हम भाग दे रहे हैं या इसको ए मान लें, और जिसे हम भाग दे रहे हैं उसे बी मान लें, ये क्यू हो ये आर हो, यानी ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यही हमारे जो है यूक्लिड साहब ने सबसे पहले लिखा था। अब हम कुछ क्वेश्चन को करना चाहेंगे, आइए कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो यहां पर क्वेश्चन करना चाहें तो क्वेश्चन लिखने में थोड़ी सी टाइम लग जाएगा, मैं बोल देता हूं। दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक वह 2q के रूप में लिखा जाएगा और विषम धन पूर्णांक या 2q+1 के रूप में लिखा जाएगा, यह आपको दिखाना है। ये एनसीईआरटी में आपका क्वेश्चन है, और क्यू कोई भी पूर्णांक हो सकता है, यही आपका क्वेश्चन यहां पर दिया हुआ है। तो यहां पर हम लोग देखेंगे कि अगर हम दो से हम डिवाइड करते हैं कोई भी पूर्णांक पॉजिटिव में, यहां पर चूंकि धनात्मक की बात किया है तो यहां पर धनात्मक पूर्णांक लिखना पड़ेगा, ये धनात्मक पूर्णांक आपको लिखना पड़ेगा। अगर हम दो से भागा देंगे तो यहां कुछ न कुछ तो आएगा, और वह धनात्मक पूर्णांक ही आएगा, धनात्मक पूर्णांक ही आएगा, और यहां पर जो शेषफल आएगा तो शेषफल का डिफिनेशन पहले से पढ़ चुके हैं, यह जो शेषफल आएगा वह दो से कम आएगा, यानी जीरो से बड़ा और दो से कम होगा, यानी आर की वैल्यू एक बार एक हो सकता है और दूसरा जीरो हो सकता है, तो जो दो से पूरा पूरा कट जाएगा तो उसको हम 2q के रूप में लिखेंगे, और जो दो से पूरा पूरा नहीं कटेगा तो 2q+1 के रूप में लिखेंगे। यानी आज से सारे स्टूडेंट अब जो है ये आपका धनात्मक पूर्णांक नहीं है, सारे इंटीजर्स में भी लागू हो सकते हैं, लेकिन मैं डिवीजन देने का तुमको तरीका मैं बता देता हूं, क्योंकि ये तुम्हारे पास 10th क्लास का सीमित है, लेकिन चूंकि तुम ये एडवांस स्कूल ऑफ मैथ एंड साइंस को देख रहे हो, क्रिएटिव सुपर ट्वेंटी चैनल को देख रहे हो, यानी यहां पर तुमको कुछ न कुछ तो एडवांस होगा ही, यानी आपको यहां पर देखना है -15 पॉजिटिव वाले को तो देख लिया था, इसको दो से तुम डिवाइड करोगे, दो से डिवाइड करोगे तो यहां पर तुमको -8 बार में लगेगा, और ये -8 बार में लगेगा, ये -16 हो जाएगा, और घटाओगे तो एक रिमाइंडर ये कर रहा, इसलिए ये सर ऑड नंबर है। और इसी ढंग से -20 को अगर हम 2 से करेंगे तो ये 10 टाइम्स में होगा, और ये -20 जीरो, ये इवन जीरो है सर, इसलिए इवन नंबर है।
यानी कौन इवेन नंबर है कौन ऑड नंबर है, यानी तुम अब से इवेन नंबर का डिफिनेशन को लिखोगे, इवेन नंबर का डिफिनेशन को लिखोगे, वह डिफिनेशन लिखोगे यानी सम धनात्मक सॉरी सम संख्या का डिफिनेशन लिखोगे, सम संख्या का डिफिनेशन लिखोगे और वह सम संख्या का डिफिनेशन लिखोगे मल्टीपल ऑफ टू, यानी जो दो का गुणज हो, दो का गुणज हो, दो का गुणज हो वह सम संख्या होता है। और सम संख्या तीन टाइप में होती है, सम संख्या तीन टाइप में होती है, एक को हम बोलते हैं सम धनात्मक संख्या, वह दो चार छह आठ होती है, और जीरो यानी शून्य सम संख्या, और यहां पर तुम्हारे पास माइनस फोर माइनस टू, ये भी आपका आपका सम संख्या है, निगेटिव में है, ऋणात्मक है, ऋणात्मक है। अब यहां पर ऑड संख्या की हम बात करेंगे तो यहां पर तुम्हारे पास क्या है, यानी मल्टीपल ऑफ टू से एक ज्यादा हो, मल्टीपल ऑफ टू से एक ज्यादा हो, यह आगे चल के इसको हम लोग बॉक्स बोलते हैं, यानी इंटीजर्स को अगर दो भाग में बांटा जाए, पूर्णांक को दो भागों में बांटा जाए, पूर्णांक को दो भागों में बांटा जाए तो एक क्लास एक के घर में जीरो आएगा और दूसरे के घर में वन आएगा, एक के घर में जीरो आएगा दूसरे के घर में वन आएगा, और जिसके जीरो घर आएगा यानी रिमाइंडर जिसका जीरो बचेगा उसे हम सम संख्या कहेंगे और जिसमें वन बचेगा उसे हम विषम संख्या कहेंगे। इस ढंग से तुम वहां पर पार्टीशन का भी दो से तुमने बांटा है, अब यहां पर तुमको डॉट 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 यहां पर तुम्हारे दोस्त माइनस फाइव माइनस फोर माइनस थ्री माइनस टू माइनस वन जीरो वन टू थ्री फोर डॉट 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 ये तुम्हारे पास नंबर है, ये आपका इंटीजर्स नंबर है, पूर्णांक संख्या है। इसको अगर आपको तीन भाग में बांटा रहे तो रिमाइंडर या तो जीरो बचेगा, रिमाइंडर या तो जीरो बचेगा या रिमाइंडर वन बचेगा या रिमाइंडर टू बचेगा। अब इस पर जो है हमारे आर डी शर्मा जी, आर एस अग्रवाल जी, के सी सिन्हा जी और ये सारे लोग क्वेश्चन दे सकते हैं कि कोई भी धनात्मक धनात्मक नहीं, आप धनात्मक को हटाइए, धनात्मक हटाइए, आप पूरे पूर्णांक संख्या के बारे में बात करें, पूर्णांक संख्या के बारे में बात करें, पूर्णांक संख्या को लिखा जा सकता है थ्री क्यू प्लस जीरो, थ्री क्यू प्लस वन और थ्री क्यू प्लस टू। अगर टेंथ क्लास में हम बात करें तो धनात्मक लिख दीजिएगा, तो धनात्मक लिख दीजिएगा तो यहां से ही आपका होगा, समझ गए कि नहीं, हम पूरे पूर्णांक सिखा रहे हैं। अब देखो कौन किसके ग्रुप में है, आओ हम लोग देखते हैं। यहाँ पर माइनस फिफ्टी निकले लेते हैं, एक माइनस सिक्सटी ले लेते हैं, एक माइनस सेवेंटी ले लेते हैं। अब इसको हम तीन से डिवाइड करते हैं तो तीन से डिवाइड करोगे ये माइनस फाइव लग जाएगा, ये माइनस फिफ्टीन यहाँ जीरो हो जाएगा। इसको हम तीन से डिवाइड करेंगे, यहाँ पर तुमको कितना बार में लगेगा पता है, पता है नहीं पता तो पता कर लो, हमसे मिलो, माइनस एटीन बार में लगेगा और ये रिमाइंडर यहाँ टू बचेगा। और यहाँ माइनस सेवनटीन को तुम देख रहे हो, माइनस सेवनटीन को जो देख रहे हो यहाँ पर ये थ्री है। अब तुम्हारे पास ये कितने बार में लगेंगे, ये भी माइनस सिक्स बार में लगेंगे, ये माइनस एटीन रिमाइंडर वन हो गया, यानी माइनस सेवनटीन वन ग्रुप का है बट लेकिन माइनस सिक्सटीन टू ग्रुप का है और माइनस फिफ्टीन जो है जीरो ग्रुप का है। इसी ढंग से तुम लोग स्टूडेंट, क्योंकि हमारा स्टूडेंट तुम लोग हो, ये बात को तुमको मानना पड़ेगा। तो ये तुम्हारा ये तुम कहोगे कि इंटीजर्स को हम चार भाग में बांटेंगे, चार भाग में बांटेंगे तो रिमाइंडर चाहे तो जीरो बचेगा, वन बचेगा, टू बचेगा, थ्री बचेगा, बिल्कुल सही जवाब। यानी यहां पर हम लोग फोर क्यू प्लस जीरो, फोर क्यू प्लस वन, फिर फोर क्यू प्लस टू और फोर क्यू प्लस थ्री लिख सकते हैं। इसी ढंग से पांच के लिए भी लिख सकते हैं, कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा। तुम खुद क्रिएटर सुपर थर्टी चैनल को देख रहे हो, हमारे स्टूडेंट से लेकर चपरासी से लेकर टीचर से लेकर सब क्रिएटर होता है, यानी तुम भी क्रिएटर होना चाहिए। अब तुम सोचो तुम क्या पांच के लिए नहीं कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। क्या कर सकते हो, फाइव क्यू प्लस जीरो, फाइव क्यू प्लस वन, फाइव क्यू प्लस टू और फाइव क्यू प्लस थ्री, फाइव क्यू प्लस फोर, यस या नो, बिल्कुल कर सकते हो, बिल्कुल इसमें कोई तरह का कोताही नहीं बरतेंगे। अब तुम तो सोचो 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 तुम्हारे क्वेश्चन क्या हो सकते हैं, अगर हम धनात्मक की बात करें और धनात्मक की बात करें और चार से भाग गए, चार से भाग गए या चार से भाग गए और उसे हम विषम संख्या की बात करें तो देखो यार ये चार से भाग तो दिया था तो इसमें विषम वाला कौन कौन है, विषम वाला ये है सर, विषम वाला ये है, यही आदि सामने क्वेश्चन दे देंगे कि धनात्मक 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 पूर्णांक संख्याओं को, धनात्मक विषम पूर्णांक संख्याओं को 4q प्लस 1, 4q प्लस 3 के रूप में लिखा जा सकता है। क्या आप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो आइए हम लोग आपको एक्सरसाइज दे देते हैं, फिर हम लोग बात करेंगे। तो
इक्लिट डिवीजन के बारे में भी हम लोग ने अपने बात कर लिया था कि कौन किससे कटेगा कौन किससे नहीं कटेगा, चूंकि तुम्हारे पास समय थोड़ा सा कम है रहता है हमारे पास और आराम से लिख सकते हो। यहां पर हम बात करेंगे कि अगली प्रश्न में हम लोग प्रभाव जो देने जा रहे हैं वे यूक्लिड डिवीजन में बात करने जा रहे हैं कि कोई भी अगर संख्या धनात्मक पूर्णांक संख्या है उसका घन को अरे भाई घन की बात कर रहे हो, किसकी बात कर रहे हो, घन को लिखा जा सकता है किसके रूप में, 9 क्यूब 9 क्यूब प्लस 1 और 9 क्यूब प्लस 8। देखो यार हम यहां पर तुम्हें बताते हैं कि इसे कैसे लिखा गया है। सोचो 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 यार, ये 0 का क्यूब रूट निकालते हो कि नहीं, 0 का 0 होता है 10, 1 का क्यूब रूट निकाल दो कि नहीं, 1 और इसके भी क्यूब रूट निकालते हो कि नहीं निकालते हो, बता दो बता दो बता दो बता दो, 2 होता है। अब बताओ रिमाइंडर 0 1 2 किसमें बचता था, तो 0 1 2 बचता था 3 से डिवाइड करने में, यानी यहाँ पर ये 3 क्यूब, कोई भी इंटीजर्स को 3 क्यूब और 3 क्यूब प्लस 1 लिख सकते हो और 3 क्यूब प्लस 2 लिख सकते हो, बोलो लिख सकते हो कि नहीं। अब इसी का क्यू करके देख लो, इसी का क्यू करके देख लो, तो क्यू करेगा तो तुमको 27 क्यू होगा कि नहीं, बोलो 9 से कट रहा है कि नहीं, कट रहा है सर जी, यहाँ पर 3 क्यू प्लस 1। अब इसका होल क्यू करोगे तो यहाँ पर 9 क्यू 27 क्यू प्लस 1 प्लस 3 9 क्यू स्क्वायर। अब देखो यहां से 9 कॉमन ले लेगा तो 9 क्यू प्लस 1 लिखेगा कि नहीं, बिल्कुल लिखेगा। इसी ढंग से यहाँ पर 3 क्यू प्लस 2 का आपने होल क्यू कर दिया तो यहाँ पर 27 क्यू प्लस 8 और 3 दूनी 6 6 18, यहाँ पर 18 क्यू स्क्वायर। अब बताओ इसमें से तू कॉमन ले सकता है कि नहीं, यहाँ क्यू स्क्वायर नहीं सॉरी क्यू होगा। अब बताओ 9 क्यू यहाँ पर कॉमन, यहाँ पर भी 9 क्यू कॉमन, तुम समझ गया कि नहीं। अरे समझा कि नहीं समझा, तुम खुद चूंकि क्रिएटर सुपर 30 चैनल को जो भी आदमी देखेंगे चाहे वो कितनों कमजोर से कमजोर हो, हम विश्वास दिलाते हैं वह क्रिएटर हो जाएगा, वह क्रिएटर हो जाएगा, वह क्रिएटर हो जाएगा, वह क्रिएटर हो जाएगा। अगला प्रश्न आरडी शर्मा का है, जो हम लोग कुछ क्वेश्चनों को फिर हम लोग छोड़ देंगे अगले। सिद्ध कीजिए कि प्रत्येक 3 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक में से एक 3 से विभाज्य 3 से एक कम से कम विभाज होगा विभाज्य होगा, इसकी लॉजिक लगाना कि 3 से आप भागा देंगे तो या तो रिमाइंडर 0 बचेगा 1 बचेगा या 2 बचेगा। यह क्लियर बात है कि अगर लगातार है तो वह या तो 0 1 2 के रूप में होगा या 1 2 0 के रूप में होगा या 2 0 1 के रूप में होगा, तो 0 वाला केस तो हमेशा कट ही जाएगा। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, आप लोग एनसीईआरटी का 1.1 और आरडी शर्मा का प्रश्नावली भी 1.1 और केसी सिन्हा सर का भी प्रश्नावली 1.1 मिलते हैं सेकंड वीडियो में। अभी तक के लिए नमस्कार।